ओम शांति। आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देगा यह एक वरदान। निरंतर योगी भव। ओम शांति। अभी के समय स्वयं भगवान का वायदा है निरंतर साथ निभाने का। कोई भी बात हो सदा बाबा याद रहे, इसको कहते हैं निरंतर योगी। यदि हमें स्मृति रहती है कि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहते हैं निरंतर योगी। तो हम चेक करेंगे, जब कोई परिस्थितियां आती है तो हम पहले बाबा को याद करते हैं या अन्य कोई देहधारी व्यक्ति का आधार लेने का सोचते हैं। सदा स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव होने से हमें किसी देहधारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज हम यह स्मृति कि बाबा मेरे साथ है, यह निरंतर रहने के लिए परमात्मा से एक विशेष वरदान लेंगे। यह वरदान है निरंतर योगी भव। बाबा कहते हैं सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। कोई भी बात हो सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। तो यह मेडिटेशन करते हैं, तो चलो हम शुरू करते हैं। चारों तरफ के सर्व संकल्पों को समेट कर एकाग्र करेंगे अपने मस्तक के बीच। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फील करेंगे मैं आत्मा स्थित हूँ अपने फरिश्ते स्वरूप में, अपने डबल लाइट शरीर में। अभी एक सेकेंड में मैं फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सामने मेरे बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, उनके सामने बैठ जाएं, अनुभव करेंगे। बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिया है और इन हाथों से दिव्य परमात्मा किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। मग्न हो जाए इन परमात्मा किरणों में। भगवान मेरे साथ है, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और कोई संकल्प नहीं। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे निरंतर योगी भव। बच्चे निरंतर योगी भव। जैसे बाबा ये वरदान गिफ्ट दे रहे हैं और मुझे वायदा कर रहे हैं, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आज से स्वयं भगवान का मुझे वरदान है निरंतर योगी भव। निरंतर योगी भव। इस वरदान की प्राप्ति से मुझे सदा स्मृति रहेगी, बाबा हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
इस वरदान से हम सदा हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, उड़ते रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे। स्थिति शक्तिशाली बनी रहेगी। इस वरदान की प्राप्ति से मुझे हर परिस्थिति में बाबा याद रहेंगे। कोई व्यक्ति या देहधारी के विनाशी आधार के सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वरदान से स्वयं भगवान हमारी हर परिस्थिति में मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। हमें सही संकल्प लेने की शक्ति देंगे, टचिंग देंगे। यदि कोई स्थूल मदद की भी ज़रूरत होगी तो बाबा कोई ना कोई आत्मा को निमित्त बनाएंगे और हम सदा हल्के रहेंगे। तो हम 2 मिनट इस स्थिति में एकाग्र रहेंगे और फील करेंगे बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं निरंतर योगी भव।